और हमने क्या पढ़ा था डिजीज कॉज
फीमेल एडिस मॉस्किटो, फीमेल मलेरिया का कैरियर कौन, सॉरी मलेरिया डिजीज है वायरस, उसका कैरियर कौन है, फीमेल है ना। और डेंगू बोले तो फीमेल एडिस मॉस्किटो और मलेरिया बोले तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया को कैरी करने वाला फीमेल एनाफिलिस, अगर फीमेल मच्छर काटेगी तो ही हमें मलेरिया होगा। बहुत सारे मेल मच्छर काटेंगे तो नहीं होगी। अब जो है फीमेल और मेल हम डिफ्रेंशिएट कैसे पहचानेंगे कि फीमेल है कि मेल है, तो फीमेल मॉस्किटो जो होती है ना उसके पीछे वाला जो पार्ट है मतलब ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे ना तो वो वाइट वाइट होता है, पीछे वाला पार्ट वाइट कलर का ऐसा स्ट्राइप जैसा होता है। एक बहुत आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ही आपको पता चलेगा, बाकी नहीं। फीमेल जो होती है उसका पीछे वाला पार्ट वो वाइट होता है, वो हमें काटेंगे ना तो हमें वायरस मलेरिया होगा। और जो है जो पूरा मॉस्किटो ब्लैक होता है उसमें कहीं डॉट नहीं होता वाइट इतना सा भी, वो जो होता है वो मेल होता है। मेल मॉस्किटो अगर हमें काटेगा तो हमें कुछ नहीं होगा, फीमेल मॉस्किटो जो है उसमें पीछे वाइट कलर का होगा वो फीमेल मॉस्किटो होगी और वो हमें काटेगी तो ही हमें मलेरिया होगा। और इस तरीके से डेंगू जो है तो डेंगू में भी फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है वो हमें काटेगी तो हमें क्या है डेंगू डिजीज होगा। क्लियर है यहाँ तक आपको इतना, ठीक है। हमने ये सब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और कम्युनिकेबल डिजीज मैंने जैसे बताया इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू हेल्दी पर्सन के हेल्दी पर्सन को भी वो डिजीज हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन जो है छींकेगा तो वो वायरस जो है हेल्दी पर्सन के अंदर में एंटर हो जाएंगे। अगर उसने ब्रेथ किया उसको ही या तो उसका कोई झूठा खाना उसने खाया पानी पिया तो उससे क्या होगा उसके अंदर का जो इन्फेक्टेड वायरस वाला फूड था जो भी था वो उसके अंदर से हेल्दी पर्सन में एंटर हो गया। अब जो हेल्दी पर्सन है वो भी बीमार हो जाएगा, ठीक है। उनको हम कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल मतलब एक के थ्रू दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो जाना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन इस सब थ्रू, मतलब कि हम अगर वो फूड खा रहे हैं या तो छींक रहे हैं या तो वो उसका पानी पी रहे हैं वो सब प्रोसेस अगर उसके थ्रू जब एक इंसान से दूसरे इंसान को डिजीज हो जाता है उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। और कुछ डिजीज होते हैं वो नॉन कम्युनिकेबल, अगर वो छींके और हम पे उड़े तो उससे डिजीज नहीं होता, उन डिजीज को हम नॉन कम्युनिकेबल बोलेंगे। उनको अभी जो है कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ना है कि एक इंसान अगर ब्रेथ कर रहा है और दूसरा अगर छींक रहा है तो उसकी ब्रेथ में उसकी छींक के
मिसल्स, रुबेला, ये सब जो है वो कुछ डिजीजेस है। मिसल्स जो है वो एक वायरस है, इसके भी एक वैक्सीन आती है। मिसल जो है वो वायरस के थ्रू होता है, जैसे कोरोना है वो वायरस के थ्रू है, जैसे मिसल्स जो है वो वायरस के थ्रू होता है। इसका भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर है। सी, अब मैं रिसेंट के लिए आपको बताऊँ तो अभी जो कोरोना है उसको हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। कोरोना ऐसा एक डिजीज है जो पॉजिटिव उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है, वो है कोरोना एक डिजीज जो वायरस है। और जो ट्रांसमिशन होता है कैसे, तो उसमें सब आ जाएगा, एयर, कॉन्टेक्ट, वाटर, मतलब कि हवा के थ्रू भी अगर जो कोरोना वाला डिजीज है वो छींकेगा और हेल्थी पर्सन है उसके अंदर क्या ऑर्गेनिजम्स एंटर हो गए वायरस, तो उसको भी हो जाएगा। अगर वो उसका झूठा पानी पिएगा तो भी हो जाएगी, उसका झूठा खाना खाएगा तो भी हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या आइसोलेट कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं कि वो जो पर्सन को हुआ है कोरोना उससे सबको दूर रहना चाहिए। वो छींकेगा, उसके कॉन्टेक्ट को कोई चीज को उसने हाथ लगाया है और उसको वायरस है, वो छींकेगा कभी कभी तो अपनी बॉडी में यहाँ पे हाथ आएगा और वही हाथ आपको यहाँ पे हैंडल पे लगा रहा है डोर के और वो अंदर एंटर हुआ और दूसरा इंसान है वही उसको हाथ लगा रहा है डोर पे और वो भी एंटर हो गया, तो वो बैक्टीरिया जो है अब सेकेंड जो हेल्दी पर्सन है उसके पास हो गई है। अब ये पर्सन के फिर इसके बॉडी में जाना 100% पक्का है, तो उसके थ्रू फिर उसको भी दूसरा हेल्दी पर्सन है उसको भी एंटर हो गए। इसलिए जो है ना उस पर्सन को हम दूर ही रखते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं, मतलब जो है वो किसी के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, उस दूसरे पर्सन को वायरस जो है कोरोना को ट्रांसमिट होगा ही नहीं। क्लियर? सी, ये जो है अभी रिसेंट टॉपिक है ना, तो आपको इसके लिए ज़्यादा बताना चाहिए। अब जो है कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कोरोना जो है अभी उसमें सब लोग बोलते हैंड सैनिटाइज करो, हम कहीं पर भी जाते हैं तो बोलते हैंड सैनिटाइज करो। अब पूरे इंसान को डिजीज है और फिर हैंड सैनिटाइज करने से क्या मतलब, हमें ऐसा भी लगता होगा है ना। तो ऐसा है कि जैसे मैंने हम पहले एग्जांपल दिया, कोई पर्सन है उसको हम चलो अभी अगर हमें वो किसी कोरोना पर्सन के अफेक्टेड के पर्सन के कांटेक्ट में आ गया और वो पर्सन ने जहाँ हाथ लगाए थे वहाँ पर उसने हाथ लगाया, पर जब वो दूसरी कहीं पर एंटर हो रहा है तो उसके हाथ में वायरस थे, सैनिटाइजर होने की आपको वायरस चले गए, तो अब जो है वो पर्सन कहीं तीसरी जगह हाथ लगाएगा तो वो वहाँ हाथ लगाए वो चीज़ सेफ रहेगी और वो जगह भी सेफ रहेगी। और जो है वो पर्सन अपने और बोलते हैं मास्क लगाओ सो देट वायरस बैक्टीरिया बाहर एंटर ही ना हो, जिस कोरोना वायरस पेशेंट को कोरोना है उसको समझ में आया, इसलिए बोलते हैंड सैनिटाइज करो कि वहाँ पे अगर किसी कोरोना वाले पेशेंट ने हाथ लगाया कर लेंगे तो वायरस डायरेक्ट गेन हो जाएगा, फिर आगे इन्फेक्टेड होगा ही नहीं और हमें भी नहीं होगा और किसी दूसरे को भी नहीं होगा। इसलिए जो है हैंड हमको सैनिटाइज करने के लिए बोलते हैं और जो है हमको जिसको है दैट मीन्स जिसको कोरोना हो गया है उनको आइसोलेट कर देते हैं, क्वारंटाइन कर लेते हैं, मतलब कि एक जगह बंद कि आप जो है इतने टाइम तक निकले भी मत। और उनको जो है जब पता चलता है कि इतनी डिजीज हुई है उनको कोरोना पॉजिटिव है तो वो उनको सारे टेबलेट जो है इतने 20 डेज का पूरा पैक एक साथ दे ही देते हैं कि आपको ये सुबह शाम रात को वो खाना।
एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट हो गया और उस वायरस को किल कर दिया। समझ में आया वैक्सीन किस तरीके से वर्क होती है, वायरस किस तरीके से फैलता है। और जो अभी का रिसेंट टॉपिक है इसलिए मैंने आपको और अच्छे से एग्जाम्पल दिया कि क्लियर हो, ठीक है। अब जो है हमारे टॉपिक की तरफ फिर से आते हैं। मीजल्स जो है वायरस है जो एयर के थ्रू होते हैं, मतलब छींकने के थ्रू, ऐसा चिकन पॉक्स है वो वायरस के थ्रू होता है, वो एयर और कॉन्टेक्ट के वजह से। इसलिए जब भी चिकन पॉक्स किसी को होता है तो एयर मतलब वो छींकेगा या नॉन पॉक्स हो तो एयर और कॉन्टेक्ट, अगर कोई भी इंसान को जब चिकन पॉक्स होते हैं उसको भी अलग कर देते हैं, उसका खाना अलग, उसको अलग रूम में रखना, सब अलग हो जाते हैं, तो उसके कॉन्टेक्ट के थ्रू भी होता है। फिर है पोलियो। पोलियो क्या है, वो भी एक वायरस है, वो एयर और वाटर से होता है। एयर मतलब छींकने के बाद, और वाटर जो है अगर जिसको पोलियो है तो उसका झूठा पानी अगर हमने पी लिया तो उसके वजह से फिर हमें हो सकता है। इतना क्लियर था। अब जो है हमको इन सब डिजीज ना हो से बचने के लिए सबसे पहले क्या करो कि पेशेंट एक कंप्लीट आइसोलेशन है ना, मैंने अभी समझाया वायरस कोरोना वाला, वैसे यहाँ पे ब्लैंकिंग पेशेंट, पेशेंट जो है उसको आइसोलेट पूरा अलग कर दो, अलग दूर ही रखो सब नॉर्मल इंसान से उसको दूर, इसलिए कोरोना में क्वारंटाइन कर देते, आइसोलेट कर देते, एक जगह बंद कर देते, बाहर नहीं निकलना है, बंद कर देते। अब जो है अगर उसके हॉस्पिटल में एडमिट किया है तो उसके जो बिलोंगिंग है, उसके रिलेटिव्स है, उसके घर के मेंबर्स हैं, उन सबको दूर रखने का ऐसा। और वैक्सीनेशन को भी गिवन एट सुटेबल एज। और जब है वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, ये चिकन पॉक्स जो है, पोलियो है, उनका एक टाइम है, आपको पता है पोलियो जो हम छोटे होते तभी, जब बड़े हो जाए तब पोलियो देते नहीं, उसका एक टाइम होता है क्या, जो है 2.5 मंथ 3.5 मंथ 4.5 मंथ के हिसाब से, और इतना कोर्स होता है कि ये जो डिजीज है उसके लिए आपको ये 5 वैक्सीन इतने इतने मंथ के गैप में लेना है। और बच्चा जब इतने साल का होगा कि तो से उसको वैक्सीन देना स्टार्ट करना है और इतने टाइम पीरियड में इतनी वैक्सीन देनी है। जब वो कोर्स जो है प्रॉपर टाइम पे चालू हुआ, प्रॉपरली पूरा कोर्स कम्प्लीट किया वैक्सीन का, तब जो है आपको वैक्सीनेशन हो गया। और जब वो अब नेक्स्ट टाइम कभी भी लाइफ में आपको वो डिजीज नहीं होगा क्योंकि आपने वैक्सीन जो है पूरी ली। क्लियर, समझ में आया सबको इतना। अब जो है कोलेरा एंड टाइफाइड। कोलेरा एंड टाइफाइड क्या होता है, तो कोलेरा टाइफाइड दोनों डिजीज से हमने पढ़ा था, कम्युनिकेबल डिजीज है, दोनों बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। और जो है कोलेरा जो है वाटर एंड फूड, जिस पर्सन को है उसका झूठा खाना खाओ या उसका पानी पियो तो ही होता है, वो छींके और उससे नहीं होता, वो वाटर या तो फूड उसका हम लिए तो ही हमको कोलेरा होगा। क्लियर। और दूसरा है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो भी बैक्टीरिया से होता है, और वाटर अगर टाइफाइड जिसको है उसका हम वाटर अगर पी लें उसका झूठा पानी तो हमें इनमें प्रिकॉशन क्या होता है, पर्सनल हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन जो है हमें खुद को प्रॉपरली हैंड वॉश करने चाहिए, वो सब प्रॉपरली हाइजीन जो है पर्सनल हाइजीन वो हमें मेंटेन करनी चाहिए, गुड सैनिटरी हैबिट्स। और सैनिटरी हैबिट मतलब वही कि क्लीनिनेस जो है मेंटेन करना चाहिए प्रॉपरली, आपको खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धो और वॉशरूम के बाद अच्छे से हाथ धोने चाहिए, फिर बाहर से आओ तो भी प्रॉपरली हैंड वॉश करो, खाना खाने जब बैठ रहे हैं तो हम प्रॉपरली हैंड वॉश करो, वो सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कंज्यूम प्रॉपरली फूड। और जो हम खाना खाते हैं उसको प्रॉपरली कुक होना चाहिए, जो खाना जो है प्रॉपरली कुक मतलब बना हुआ रखना चाहिए, कच्चा जो है कच्चा पक्का ऐसा नहीं खाना है, प्रॉपरली कुक फूड होना चाहिए। और बॉइल ड्रिंकिंग वाटर, पानी जो पिएंगे ना उसको बॉइल ही पीना है, मतलब कि गर्म पानी जो है गर्म बहुत गर्म नहीं, मीडियम मीडियम गर्म जो पानी होता है वही आपको पीना चाहिए, बॉइल ड्रिंकिंग वाटर ही पीना चाहिए। और नेक्स्ट वैक्सीनेशन, उसकी अगर वैक्सीन आपने टाइम पे ली है, जितनी वैक्सीन लेनी है उतनी ली है, तो आपको
रिकमेंडेड है कि बॉइल वाटर पीना चाहिए, नॉर्मली भी हमें पीना चाहिए, पर हो सके तब तक ये जो डिजीज हो तो उसमें तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये बॉइल वाटर